चलें जी, तो आपने बड़ी बड़ी जगहों के बुफेट खाए होंगे, कढ़ाई भी खाई होगी, सब कुछ खाया होगा। आज का जो मॉर्निंग बुफेट है वो मैं थाईलैंड आइलैंड से करने लगा हूँ, जो कि मुझे पाकिस्तानी 500 रुपये मिला है। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि वराइटीज़ ऑफ जैम है, मरमेड है, यानी कि मुरब्बा है। मरमेड मैंने ऐसे कहा जैसे वो मरी हुई औरत नहीं समंदर से मिलती, उसके अलावा फ्रेश बैग यहाँ पे टोस्ट रखे हुए हैं, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ यहाँ पराठे तो नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा है, कुछ भी कुछ नया भी करना चाहिए। तो जैम जो है यहाँ पे, जो इनकी स्ट्रॉबेरी और वो जो ऑरेंज वाली जैम है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा इनके पास बटर है, सॉल्टेड भी है और सिंपल भी है। ब्रेड भी दो टाइप की हैं, कि ब्राउन ब्रेड भी है अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इतना दूर आएँ तो आप डाइट करें। उसके अलावा क्रॉस पॉइंट, यार ये बड़ा टेस्टी है, क्योंकि इससे वीडियो से पहले मैंने इसको एक को चख लिया। उसके अलावा योगर्ट जो है ना, वो काफ़ी सारे फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी में, मतलब पाइनएप्पल में और कोकोनट में। उसके अलावा यहाँ पे सीरियल भी पड़ा हुआ है, अगर आपने वो बनाना है, जो कि मैं तो नहीं बनाने वाला। उसके अलावा सुबह सुबह जी पाइनएप्पल और वाटरमेलन रखा हुआ है तरबूज का, जो कि अगर मैं पाकिस्तान में होता और खाता तो मेरी अम्मा मुझे कतन ना खाने देती। उसके अलावा ये जो एक सोर्स और फोर डेज का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी खट्टा और अमेजिंग होता है। उसके अलावा बनानास भी अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद ये जो रखा हुआ है जी, ये मैं दिखाता हूँ, टूना फ़िश है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव फ़िश की टाइप होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से मैं कुछ चीज़ें खा सकूँगा कुछ नहीं, क्योंकि अभी अभी मुझे जना वीडियो बनाने से पहले पता चला कि यहाँ पे पोर्क है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पोर्क यानी कि इन्होंने खंजीर भी साथ में बना के रखा हुआ है। तो बर्तन सेम यूज़ हुए पड़े, तो इस वाला पोर्शन जो कुक वाला आइटम है वो नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि जब इन्होंने कुक किया होगा तो सेम ही किया होगा। तो जो अनकुक या फ्रूट हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि खा लूँ। तो उसके अलावा घास फूस भी इन्होंने दिया, यानी कि सलाद के पत्ते हो गए। और उसके अलावा खीरा इनका जो ना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मतलब ये स्वीट्स है ना। तो उसके बाद ये क्या है जी, इन्होंने दो तरह के अंडे, अच्छा अंडे जो बने हुए हैं ना, एक तो है थाई स्क्रम्बल एग और दूसरा है हाफ कुक। और जो हाफ कुक जिस तरीके से बनाया हुआ है ना, मतलब ऑमलेट कह लें या कुछ, वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा सॉसेज है, सेंटर में जो है वो बेकन है, जो कि पोर्क से बनाए जाते हैं, तो इसलिए। और उसके बराबर में पैन केक पड़ा हुआ, तो मैं इसको भी नहीं खाऊँगा, क्योंकि अगेन बेकन जो है वो पोर्क या खंजीर कहने खंजीर से बनता है, तो वो भी नहीं खाऊंगा। उसके अलावा इन्होंने फ्राइड राइस और साथ में पोर्क अगेन, क्योंकि इनका डे होता है ना, कभी फ़िश का होता है। मैंने पाकिस्तानी 500 रुपए में ख़रीद तो लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने मुझे खंजीर सर्व कर देना है। तो मैंने उन्हें कहा है कि भाई मेरे लिए कुछ मुस्लिम फूड बना के दो, अदरवाइज़ मैं डबल रोटी और जूसेस वूसेस पी लूँगा। उसके अलावा तीन तरह के जूस हैं, ऑरेंज, मैंगो और उसके अलावा। ओके सो फाइनली फूड मेरे सामने आ चुका है। आज इन्होंने मॉर्निंग में क्या दिया है, यानी कि बुफेट ही समझ लें, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है, तो मैंने सारा भर लिया जितना मुझसे भरा जाता था। देखेंगे सबसे पहले क्या है, ये चिकन है, साथ में चिकन सैलेड, क्या ना, व्हाट इज नेम, चिकन काई फाट खाना, चिकन विद केओस। ओके ये चिकन है विद वेजिटेबल। उसके अलावा एक बॉयल एग मैंने लिया है, साथ में ऑमलेट लिया है, पाइनएप्पल फ्राई स्टाइल है, साथ में एक वाटरमेलन क्योंकि यहाँ अवेलेबल होता है। और उसके अलावा फ़िश की थोड़ी सी ना मैंने पीस लिया है। उसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल है, उसके अलावा राइस, क्रॉस पॉइंट और अभी भी बहुत कुछ है।